कुमार साय जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। उनका इस्तीफा प्राप्त हुआ है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनसे निश्चित रूप से बातचीत करेंगे और किसी तरह की कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। सर, रेजिग्नेशन लेटर को ट्वीट करते हुए कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी का एंटी ट्राइबल चेहरा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हमारे विधायक रहे हैं, लोकसभा के सांसद रहे हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, तो विभिन्न दायित्वों का उन्होंने निर्वहन किया है। क्या बातें हैं, किसी तरह की कोई गलतफहमी है तो बातचीत करेंगे और निश्चित रूप से बातचीत करके कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस का ये भी कहना है कि भाजपा में हमेशा आदिवासी नेताओं की उपेक्षा होती रही है। देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक बयानबाजी है। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज के नेताओं को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। आज मैंने बताया कि हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने बहुत अनेक प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं और इसलिए कांग्रेस इस प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी न करे। ये हमारा घर का मामला है, हम बातचीत करके ठीक कर लेंगे। नेताओं में से एक हैं नंद कुमार साय, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठतम आदिवासी नेताओं में से एक हैं। उन्होंने न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि देश में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना में भारतीय जनता पार्टी के को आगे बढ़ाने में अपना खून पसीना लगाया है। यदि वे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के मजबूर हो रहे हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी समाज की घोर उपेक्षा हो रही है। नंद कुमार साय सतही राजनेता नहीं है, वैचारिक रूप से राजनेता है, विद्वान राजनेता है। उनके मन में आदिवासी समाज के लिए पीड़ा है और 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के दौरान भी उन्होंने आदिवासी समाज के लिए संघर्ष किया है। तो यदि उनको भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा है तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी समाज के लिए कोई स्थान नहीं है। इसीलिए नंद कुमार साय ने भाजपा को छोड़ा है। और इसके पहले भी आप देखिए कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने आदिवासी अध्यक्ष को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद से हटाया था, विष्णुदेव साय को। अब नंद कुमार साय का इस्तीफा। सर, इसमें बीजेपी कह रही है कि हमारे परिवार का मामला है, इसमें कांग्रेस को दखल नहीं देना चाहिए। देखिए, आपके परिवार का मामला तब रहता जब आप अपने परिवार में सलटा लेते। नंद कुमार साय जी का ऑफिशियल बयान आ गया है, ऑफिशियल उनकी बाइट आ गई है, मीडिया में सार्वजनिक है, तो चीज़ों का विश्लेषण होगा। अच्छी बात है, आपके परिवार का मामला है, आप जूतम पैजाम करिए, आप कर दीजिए जूतम पैजाम। 15 विधायकों वाली भारतीय जनता पार्टी में, अब वर्तमान में तो 14 हैं, 9-9 नेता 5-5 के दावेदार थे, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वरिष्ठ आदिवासी नेता को पार्टी छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। आपके परिवार का मामला है, आपको मुबारक हो, लेकिन जो चीज़ें सामने आएंगी तो कांग्रेस क्यों दखल देगी भाई? ये आपके परिवार में फूट होकर सामने आया है तो उसमें प्रतिक्रिया राजनीतिक रूप से मांगी जा रही, हम देंगे। ठीक। सॉरी, आज पहली बार अरे नहीं, 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 नहीं।